हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई एम एडवोकेट एस एस मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सीआरपीसी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी पार्ट फोर तक बना दिया है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बताया है। आज मैं पार्ट फाइव में आप लोगों को अध्याय 21 से लेकर अध्याय 28 तक, यानी चैप्टर 21 से चैप्टर 28 तक में जो जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसको मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले चैप्टर 21 क्या कहता है इसके बारे में जानिए। चैप्टर 21 में समरी ट्रायल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है 260 सेक्शन चैप्टर 21, जो कि समरी ट्रायल्स को बताता है, उसमें इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 21 ए है, प्ली बार्गेनिंग को बताता है, जिसमें सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो 265 ए। अब बात करते हैं चैप्टर 22 के बारे में। चैप्टर 22 जिसमें सेक्शन इंपोर्टेंट है 266 267, यानी 266 267। अब चैप्टर 23 के बारे में जानते हैं। चैप्टर 23 जो है, जिसमें एविडेंस इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन इंपोर्टेंट है 272 273 284। ये तीन सेक्शन इसमें इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 24 के बारे में। चैप्टर 24 में जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है, जिसमें सेक्शन इंपोर्टेंट है 300 306 308 313 320 321 322 323 325। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं चैप्टर 25 के बारे में। चैप्टर 25 में है कोई भी सेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। चैप्टर 26 की यही बात करूं तो चैप्टर 26 में 340 341 344 345, ये सारे सेक्शन महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं चैप्टर 27 के बारे में। चैप्टर 27 जो है, जिसमें जजमेंट के बारे में बताया गया है, द जजमेंट को बताया गया है चैप्टर 27 में, जिसमें इंपोर्टेंट सेक्शन है 357 357 ए 357 बी 357 सी। अब यहीं पे बात यदि किया जाए चैप्टर 28 की, तो चैप्टर 28 में समन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन को बताया गया है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है 366। तो आज मैंने आप लोगों को चैप्टर 21 से लेके चैप्टर 28 तक में जो जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसके बारे में बताया है। उस महत्वपूर्ण सेक्शन को आप चाहे तो कापी कलम उठाइए और इसको नोट कीजिए। जो लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो ज्यूडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तो खास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए हर एक को, और उसको ठीक से पढ़िए, आप लोगों को जानकारी मिलेगी और आपको आगे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी सेक्शन हम बताते हैं, इस सेक्शन को यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि कोई क्वेरी रहता है तो, या फिर आप बेयर एक्ट और बुक के माध्यम से पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और डिटेल में इस सेक्शन को जान सकते हैं। लेकिन उसके बाद कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का हर वक्त कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।